up through the night. I can't turn down the noise. Tear all the worries out of my mind. About who I'm supposed to be, I start to believe I can't get it right. Remember the days I let slip away. They were simpler times. प्लास्टिक में है भैया रेनकोट, मतलब थोड़ा बहुत बारिश आने का संभावना है, अगर बारिश आता है तो सीधा रेनकोट पहन लेंगे। बोल रैक में हेटो खुमा लो। ओके, आज जो है अपने साथ अपने दो पुराने दोस्त भी जाने वाले। पुराने मतलब वो हमारे क्लासमेट थे जब हम हायर सेकेंडरी में पढ़ते थे। इन गली का हाल देखो, रात का एक जोर सा बारिश हुआ था। नाच का वेदर तो सही है लेकिन बारिश ना हो बस। कैसे हो? होप यू ऑल आर एक्सट्रीमली वेल। कल वाला जो व्लॉग है बस अभी मैंने अपलोड किया। एंड ये लाइट अपर में क्यों होके रखा है? तो पेट्रोल जो है मैंने भरा नहीं था, तो अभी पूरा फुल टैंक करवा लूंगा, पूरा फुल। वन वन सिक्स जीरो। ओके ओके डन। 1160 गोल सॉक्सन। तो एट द एंड हम लोग के साथ शांतनु भाई भी ज्वाइन कर चुका है। मतलब इसका जाने का प्लान नहीं था, तो ये फटाक से इसको बुलाया कि चल निकल, ये सो रहा था। तो आज हम लोग के साथ कौन कौन जा रहा है अच्छे से जाके आगे इंट्रोड्यूस करवाएंगे। यहाँ से पहले निकलते हैं बिकॉज बहुत ज्यादा लेट हो चुका है। निकलने का बात था भैया 9:30 बजे, लेकिन अभी 11:30 हो चुका है। अभी तो बारिश का बूंदा बूंदी चालू हो चुका है। चिड़िया की तरह उड़ के जा रहा है पूरा। चलो कोई नहीं, अपन धीरे धीरे जाएंगे बिकॉज अपने साथ चाहे अपने दोस्त भी है दो, तो उसकी वजह से एकदम धीरम धीराई से जाएंगे। तो यहाँ से हम लोग चार निकल रहे हैं यहाँ से। एंड दीपोरबिल में जो है दीपक भाई लोग भी वहाँ पर है। शांतनु रेस खेले भी नहीं गए? लाहे 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 खतरनाक वे भाई गड्ढा की खतरनाक गड्ढा में भाई रास्ता रोजत। दीपोरबिल का रोड इतना ज्यादा खराब हो गया, जगह जगह पर गड्ढे खड्डे दोनों एक ही है ना, खड्डे गड्ढे, हाँ एक ही है, जगह जगह पर खड्डे है भाई। अरे कहाँ जा रहे हो तुम लोग? चलो बाय बाय। चलो भैया आके तो फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ दीपोरबिल। अभी दीपक भाई को ढूंढना है, दीपोरबिल में आके दीपक भाई को ढूंढना है। तो दीपोरबिल में आके दीपक भाई से मुलाकात हो चुका है इधर। चलो 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 आ जाओ। पता नहीं आवाज वगैरह क्लियर आ रहा होगा कि नहीं। एंड एकदम आगे है शांतनु भाई, उसके पीछे दीपक भाई, एंड मेरे पीछे है नोबो एंड हमारे गोविंद भाई। ये दोनों मेरे क्लासमेट है, तो ये दोनों हम लोग के साथ भी जा रहा है आज। एंड साथ में मेरा और भी दो क्लासमेट जाने का प्लान था, लेकिन वो लोगों ने एंड टाइम पे कैंसिल कर दिया बिकॉज थोड़ा प्रॉब्लम आ गया उन लोगों का। एंड बारिश जो है थोड़ा बहुत अभी कम होने लगा है, तो अभी आराम से जा सकते हैं। अभी वेदर इसी को कहते हैं, वेदर ऐसा होना चाहिए। कितना मजा आ रहा है भाई अभी राइड करते हुए, मतलब बारिश भी नहीं धूप भी नहीं, थोड़ा भीगा भीगा मौसम है, मतलब मॉनसून वाला मौसम है थोड़ा बहुत। एक फील ही अलग आ रहा है आज राइड करते हुए। अरे यार क्या हरे भरे खेत है इधर। ओके तो आगे से जाके हम लोगों को लेना पड़ेगा लेफ्ट टुवर्ड्स
चांदुबी एलजीबीआई एयरपोर्ट, मतलब लोकप्रिय गोपीनाथ बरदलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। वाओ ए बाप रे, लो रेस के लिए भी एनएस का देखो, पूरा पिकअप से निकल गया पूरा। वाओ ये साइड का माउंटेन कितना ज्यादा बढ़िया लग रहा है यहाँ पे। ओके तो धीरे धीरे से आगे बढ़ रहे हैं एंड बारिश जो है, बारिश आगे जा मतलब थोड़ा स्लो हो रहा है, थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, मतलब कम हो रहा है, कम दे रहा है, ज़्यादा दे रहा है, ऐसा हो रहा है। तो ज़्यादा होने से जो है मेरे को अपना कैमरा अंदर घुसाना पड़ेगा, बिकॉज़ इसका जो पोर्ट है, पोर्ट पूरा खुला है और मैंने आज कोई भी जुगाड़ लेके नहीं आया अपने साथ। सेलो टेप होने से मैं पूरा चिपका देता, लेकिन सेलो टेप मैं घर छोड़ के आ गया पूरा। वाओ आगे का व्यू देखो गाइस, यहाँ पर मैं पहले भी आ चुका हूँ 2-3 बार, व्यू बहुत मस्त लगता है यार इस साइड का। मुझे शांतनु भाई का जैकेट का चेन जो है चेन हो चुका है खराब, तो अभी इसलिए जैकेट उसका वो चिड़िया की तरह उड़ रहा है अभी। अरे एटा प्लास्टिक एटा हबो नेकी खोरू एटा प्लास्टिक, मैंने कैमरा पूरा कैमरा तो हेरी करबा लागे। ओ होय दे होय दे, ये तो खाली मोर बड़खनो गाने ढाकी पा लागे खाली। तो यहाँ पर जो है एक प्लास्टिक मैंने लिया है बिकॉज मेरे को अपना गोप्रो ढकना है, तो मैंने जो है इस पर अभी प्लास्टिक का वो कवर कर दिया। पता नहीं लेंस के सामने शायद थोड़ा बहुत प्लास्टिक दिख सकता है, उसके लिए सॉरी, बिकॉज मैंने कोई भी जुगाड़ घर से करके नहीं आया, बस ऐसे ही प्लास्टिक को उसके ऊपर लगा दिया। तो आई होप अच्छे से पूरा व्यू कैप्चर हो, अभी टेंशन नहीं है, अभी आराम आराम से जा सकता हूँ मैं, बिकॉज अभी कैमरा पूरा कवर है पूरा प्लास्टिक से, और यहाँ से भी मैं आराम से देख सकता हूँ, यहाँ से बस थोड़ा सा इसको ऊपर करना है, बस अब सही है। यार आज बारिश क्यों हो रहा है भाई आज, शिट। आज जो है बहुत सारे लोग घूमने के लिए निकले हैं, बिकॉज बहुत दिन के बाद सबको छुट्टी मिला है ऐसे घूमने के लिए, मतलब जो वीकेंड लॉकडाउन जो है वो लिफ्टेड हो चुका है, तो उसके वजह से सभी लोग अभी खुल्लम खुल्ला घूम रहे हैं, फिर रहे, खा रहे, पी रहे, मौज मार रहे हैं सभी लोग, मतलब वो पहले वाला जो दिन है फिर से हम लोगों को वापस मिल चुका है। यहाँ से आगे का जो व्यू है बहुत ज़्यादा मस्त आता है, जंगल जंगल जंगल, पूरा जंगल के अंदर होके जाएंगे हम लोग अभी, एंड इधर पूरा गहरा जंगल है अंदर, देख रहे हो भाई आगे जंगल। और ये कौन फोन कर रहा है, व्यू कैसा आ रहा है यहाँ से, मस्त आ रहा है ना। कुछ ऐसा है लोकेशन एंड दो लोग पीछे छूट चुके हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पर रुके हैं। दो लोग आगे जा चुके हैं, मतलब वो दीपक भाई के फ्रेंड है। ये जो तीनों जो बाइक है, इन तीनों बाइक के ऊपर ही टीनेजर्स का पूरा क्रेज रहता है पूरा, है ना। वर्जन 3 220 NS 200, ये तीनों बाइक का ही क्रेज रहता है पूरा, और तीनों बाइक ही है हम लोगों के पास अभी। तो कुछ ऐसा रोड हो चुका है इधर, बस गिरना नहीं है। ओ पीछे का टायर थोड़ा बहुत स्किड किया। अभी देखो इस तरफ, दोनों तरफ आपको चाय के बगीचे देखेंगे, इस तरफ भी और इस तरफ भी। तो अपना देखिए बारिश से पहले कि भल परिवेश से আৰু আমি এনেকৈ লাহে 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 আমি আগৰ পিনে সোমাই গৈ আছোঁ। এফালে আমাৰ লগী সংগী বোলা, তো ইয়াৰ পৰা মই ৰখা থা এক ফটো খিচনে কে লিয়ে, এণ্ড দেখো কিতনা জ্যাদা বঢ়িয়া লগ ৰহা হে, এণ্ড এক শান্ত টাইপ কা এক আৱাজ মেৰে সামনে সে গুঞ্জ ৰহা হে, বিলকুল শান্ত, এণ্ড কিতনা বঢ়িয়া লগ ৰহা হে ভাই, নেচৰ সে জ্যাদা খুবসূৰত কোই নহীঁ হো সকতা, কোই ভি নহীঁ। एंड हल्का हल्का बारिश हो रहा है, मतलब एकदम हल्का हल्का, एंड अच्छा भी लग रहा है। वाओ
दिस इज़ आवर असम। मज़ा आ गया, अभी निकलते हैं। दीपक भाई और शांतनु भाई आगे निकल चुके हैं, नोवो भाई एंड गोविंद भाई वो लोग पीछे, तो इसलिए मैं रुक के थोड़ा फोटोज़ वगैरह ले रहा था यहाँ पे। यहाँ से बस वो जो जंगल जो स्टार्ट होता है ना, अभी पूरा गहरा जंगल हो के हम लोग जाएंगे अंदर की तरफ। एंड कितना ज़्यादा बढ़िया लग रहा है देखो, फोटो एक खींच देंगे यहाँ से आप तो गुवाहाटी से, गुवाहाटी साइकिल लेके आए आप, फोटो एक खींच देंगे मेरा। यार साइकिल लेके आप आए हो इतने दूर से, ये लो गुवाहाटी काला पहाड़, काला पहाड़ आप 6 माइल से। वाह ये लड़का जो है 6 माइल से आया, मतलब गुवाहाटी से साइकिल लेकर यहाँ पर आए भाई, शायद अर्ली मॉर्निंग निकले थे। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अभी मैं निकलता हूँ आगे की तरफ। एंड पीछे जो है, पीछे हमारे नोवो भाई लोग पीछे रह चुके हैं एंड दीपक भाई लोग आगे चले गए। ग्लव्स को रख दिया मैंने अंदर एंड सूत्रों से पता चला कि चांडोबी का जो ये वाला जो रोड है यहाँ पे बंद। तो दीपक भाई शांतनु भाई आगे है, आगे 3 किलोमीटर के अंदर एक अच्छा सा व्यू पॉइंट है, वहाँ तक ही चलते हैं। अभी तो सब कुछ खुल चुका है ना, तो पता नहीं बंद क्यों करके रखा है। 60 रुपीज़ तीनों बाइक का। चलो कोई नहीं, तो यहाँ पे पता नहीं किस बात का पैसा लिया जा रहा है, मतलब अभी तो फिलहाल ऑफ सीजन है। चलो 20 रुपीज इज नॉट ए बिग अमाउंट, बट फिर भी किस बात का लिया जा रहा है पता नहीं। ग्लव्स वगैरह मैं थोड़ा खोल लिया, अभी आराम लग रहा है चलाने में। मतलब ग्लव्स खोल के चलाने में क्या होता है कि एक अच्छा ग्रिप मिलता है पकड़ने में, मतलब पकड़ने में भी अच्छा लगता है। भाई साहब इधर भीड़ देखो, कितने सारे लोग आज आए हैं भैया यहाँ पर घूमने उमने के लिए। पार्किंग यहाँ पे कर देगा, आ जाओ। वाओ चांडवी का पानी कितना ज्यादा साफ लग रहा है भैया अभी। स्टार्ट। तो फाइनली आके पहुंच चुके डेस्टिनेशन पर, अभी जो है इसको लगा भूख, हल्का फुल्का कुछ खा के इस जगह को एक्सप्लोर करेंगे। ग्रुप में जो और 2 लोग जो आए थे वो लोग कहीं पर गुम हो चुके हैं, नेटवर्क भी नहीं है, जो उनसे कॉन्टेक्ट करेंगे, आशा रखते कि वो लोग आ जाएंगे। आशा रखते हैं। ये बिछड़े हुए दोस्त मिल चुके हैं फाइनली। मेरे को लगा था ये लोग नहीं आएंगे, ये लोग वापस चले गए, लेकिन फाइनली आ चुके हैं ये दोनों। जंगल के बीच फोटो खींच रहे थे, इसके वजह से लेट हो गया, लेकिन मैं रुका था इन लोगों के लिए, फिर भी नहीं मिला। मेरे को लगा था कि सिर्फ हम लोग आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आने के बाद इतने सारे लोग। तो ये है हमारे नोवो भाई का NS200 BS4, भाई ने लिया था 2 साल पहले क्या नोवो भाई, लेकिन बाइक अभी भी बहुत ज़्यादा रिफाइंड है और बहुत ज़्यादा स्मूथ जा रहा है, ब्रेकिंग वगैरह हो गया एंड साथ में एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा स्मूथ है। तो ये हमारे नोवो भाई 1.5 साल पहले मेरे वीडियो में आए थे, जब हम लोग मतलब पहले स्कूटी लेकर राइड करते थे, तब नोवो भाई नया करके बाइक लिया था उसका NS200। एंड ये भी अपना क्लासमेट ही है, इसका नाम गोविंद, गोविंद भाई। तो अभी तो भाई स्कूल वोल खत्म होने के बाद सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त हो चुके हैं, सब कोई कॉलेज काम पे निकल चुके हैं। तो अभी जो है सीन ये है कि हम लोग यहाँ से निकलना है अभी, तो यहाँ से जो है गाइज हम लोग सीधा जा रहे हैं अभी रिटर्न अपने घर वापस। एंड कैमरा पर भी जो है चार्ज इतना ज़्यादा है नहीं, तो आज का वीडियो यहीं पर एंड कर देगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर कोई नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड हाँ इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना। एंड एज ऑलवेज बिलीव इन योरसेल्फ, मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू, ऑलवेज राइड सेफ। तो चलो यार गाइज मिलते अपने अगले वीडियो में, एंड जगह को एक बार मैं 360 व्यू में दिखा देता हूँ, ठीक है।